बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, डियर स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 7, वेलकम टू योर साइंसेस। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक कीज। नाउ व्हाट आर दीज कीज? कीज कैन बी यूज्ड टू फाइंड द नेम्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट वी कैन नॉट रिकॉग्नाइज। कीज एक तरीके से, जिस तरीके से हर लॉक की एक चाबी होती है जिसकी मदद से वो खोला जाता है और उससे वो पहचाना जाता है, इसी तरह कीज जो है वो साइंटिफिक टर्म्स में मुख्तलिफ जानदारों के नेम्स को मालूम करने के लिए और ईज़िली उनको रिकॉग्नाइज यानी पहचानने के लिए इस्तेमाल होती हैं। कीज़ बेसिकली क्या चीज़ हैं? इट इज़ अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस। ये एक ऐसे सवालात के या एक तरीके से मुसलसल सवालात का एक ऐसा सिलसिला है जिसमें आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने तक पहुँचते हैं, यानी वहाँ तक, उस क्लू तक पहुँचते हैं, उन क्लूज़ की मदद से उस आंसर तक पहुँचते हैं कि किस तरह से आपने उस ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना है, वो कौन सी खसूसियात हैं जिनको लेकर आपने इन कीज़ के सहारे उस फाइनल रिकग्निशन तक पहुँचना है। तो ईच आंसर लीड्स ऑन टू द अनदर क्वेश्चन, जिसमें एक आंसर का ताल्लुक दूसरे एक तरीके से क्वेश्चन से होता है। यानी कोई भी आंसर और क्वेश्चन इररेलेवेंट नहीं होना चाहिए। दिस कॉन्टीन्यूज अंटिल इवेंचुअली दैट नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज फाउंड। और ये उस वक्त तक सिलसिला जारी रहता है जब तक के उस ऑर्गेनिज्म के आप नाम तक नहीं पहुंच सकते या नहीं पहुंच जाते। सो हेयर इज अ सिंपल की टू फाइंड द नेम्स ऑफ द फोर अननोन एनिमल्स विच आर शोन एक्चुअली ऑपोजिट टू ईच अदर। मीन ये सारे चार ऑर्गेनिज्म इस वक्त जो आपकी बुक नंबर बुक में पेज नंबर 160 पर मौजूद हैं, हम उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और ऑन दिस पेज यू कैन फाइंड फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स विच आर एंटायरली डिफरेंट ऑन और फ्रॉम ईच अदर डिपेंडिंग अपॉन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। सो आवर क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज़ द कीज में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, इट इज Does the animal have flippers? क्या जो एनिमल जहाँ तक हम पहुँचना चाह रहे हैं, जिसको रिकग्नाइज करना चाह रहे हैं, क्या उसमें फ्लिपर्स मौजूद हैं, यानी तैरने के लिए, फ्लोट करने के लिए क्या उसमें फिन्स की तरह के फ्लिपर्स मौजूद हैं, क्या वो तैरने में, जो कि उनको तैरने में हेल्प करते हैं? तो आंसर आपने एनिमल्स में ढूंढना है कि आंसर कौन सा होगा। योर आंसर इज यस। अगर यस है तो इसका मतलब है योर पॉसिबल आंसर रिलेटेड टू यस इज डॉल्फिन, क्योंकि डॉल्फिन के अंदर ही, ये डॉल्फिन में फ्लिपर्स पाए जाते हैं जो उनको पानी में तैरने में मदद देते हैं। एंड इफ यू वॉन्ट टू मूव टू द नेक्स्ट आंसर, देन योर आंसर इज नो। डज द एनिमल हैव फ्लिपर? नो। वाई? बिकॉज वी आर नॉट आइडेंटिफाइंग डॉल्फिन हियर, क्योंकि हम डॉल्फिन को आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि ये इसमें फ्लिपर्स हैं। लेकिन अगर हम किसी दूसरे एनिमल की तरफ जा रहे हैं, दैट इज एनिमल नंबर बी, सी और डी, देन गो टू द क्वेश्चन नंबर 2। इसके लिए जब आप आंसर आपको नहीं मिल रहा कि ये डॉल्फिन नहीं है, कोई और एनिमल है, तो आपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करना है। गो टू क्वेश्चन नंबर 2। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि डज द एनिमल हैव विंग्स? क्या एनिमल्स के विंग्स हैं जो उसे उड़ने में मदद दे रहे हैं? डज द एनिमल्स हैव विंग्स? सो एनिमल्स के विंग्स, अगर किसी एनिमल में आपको ए बी सी डी में विंग्स नजर आ रहे हैं, योर आंसर विल बी यस। यानी आपका आंसर क्या होना चाहिए? यस। और ऐसा कौन सा एनिमल है जिसके विंग्स हैं? तो बैट। आपको चमगादड़ यहाँ नजर आ रही होगी, बैट के विंग्स होते हैं। अगर आपको बैट रिकग्नाइज हो गई है तो आपने इसी क्वेश्चन को नेक्स्ट एनिमल के लिए यूटिलाइज करना है। एंड डज द एनिमल हैव विंग्स? अगले जो दो आपके पास रिकग्निशन के लिए एनिमल्स हैं, वो उनके लिए आंसर होगा नो। क्यों? क्योंकि उन एनिमल्स में विंग्स आपको नजर नहीं आ रहे। सो यू हैव टू गो टू द क्वेश्चन नंबर 3। एंड योर क्वेश्चन नंबर 3 इज, क्वेश्चन 3 इज, डज द एनिमल हैव अ बुशी टेल? अब आपने कोई एक खसूसियत उसकी ऐसे रखनी है जिससे आप उसको रिकग्नाइज कर सकें। सो डज द एनिमल
हैव अ बुशी टेल, क्या उस एनिमल की घनी दुम है, यानी बालों वाली, बहुत घने बालों वाली दुम है? सो ऑब्वियसली द आंसर इज यस. अब वो कौन सा एनिमल है जिसकी दुम थोड़ी से आपको बुशी नजर आ रही है, बहुत घने बालों वाली नजर आ रही है? सो इट इज स्क्वेरल. गिलहरी आपका एक ऐसा एनिमल है यहाँ पर जिसकी बुशी टेल है. और अगर आप एनिमल नंबर डी की तरफ जा रहे हैं तो आंसर आपका होगा नो, क्योंकि उस एनिमल की आपको टेल बुशी नजर नहीं आ रही. सो हेयर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ की. इट वर्क्स इन जस्ट द सेम वे एज द वन अबव, बट इट इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ फ्लो चार्ट. यानी एक फ्लो चार्ट की शक्ल में आप एक और तरीके से भी की को बना सकते हैं, बट यहाँ पर आपने क्वेश्चंस के जरिए इस की को कंप्लीट करना है. एंड योर लास्ट दैट इज लास्ट आइडेंटिफिकेशन इज रिलेटेड टू दैट एनिमल डजंट हैव अ बुशी टेल एंड दैट इज ऑटर. बिकॉज ऑटर की जो टेल है वो कैसी है, ये लॉन्ग टेल है और लॉन्ग टेल इन सच अ मैनर कि वो बुशी नहीं है. तो बुशी टेल कहाँ पर है, किसमें है, स्क्वेरल के अंदर. सो दिस इज अ सिंपल की टू रिप्रेजेंट to identify different organisms not only by their name but also by their characteristics. Thank you, class.